खिड़की से गिरने पर CISF कांस्टेबल की हुई मौत। खरगोन के बड़वा स्थित केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा केंद्र के बैरिक में शनिवार रविवार की मध्य रात्रि घर की खिड़की से नीचे गिर जाने के दौरान कांस्टेबल की मौत हो गई। आपको बता दें कि कमल पिता कुलदीप चंद उम्र 33 निवासी हिमाचल प्रदेश के हमीरपुरा जिले का निवासी था, जो करीब एक वर्ष से CISF RTC बड़वा में कांस्टेबल की पोस्ट पर पदस्थ था, जो शनिवार रात प्रतिदिन की तरह अपने कमरे में सो रहा था। इस दौरान जब सुबह करीब 4 बजे मृतक का दोस्त जोगेंद्र कमल सिंह को उठाने गया तो कमल सिंह अपने बिस्तर पर नहीं था। तभी जोगेंद्र ने तुरंत अपने अन्य दोस्तों को इस बात की सूचना दी। सूचना पर कुछ दोस्तों ने मृतक कमल सिंह को आसपास तलाश करने का प्रयास किया तो कमल सिंह बेरिक स्थित नाली में गिरा मिला, जिसकी सूचना दोस्तों ने वरिष्ठ अधिकारियों को देकर घटना स्थल पर बुलाया, जिसके बाद स्थानीय पुलिस थाने पर सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने घटना की तहकीकात कर मृतक को PM के लिए बड़वा शासकीय अस्पताल भेजा, जहां PM करने के पश्चात मृतक कमल सिंह को CISF के टाइगर ग्राउंड ले जाया गया, जहां DIG हेमराज गुप्ता की उपस्थिति में समस्त स्टाफ सदस्यों ने मृतक पर पुष्पमाला चढ़ाकर सलामी दी गई, जिसके बाद मृतक के शव को उसके निवास स्थान के लिए रवाना किया गया। आपको बता दें कि मृतक को इंदौर फ्लाइट से दिल्ली भेजा गया, जहां से हिमाचल प्रदेश के लिए भेजा जाएगा। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। सर, आज CISF का क्या मामला है? CISF में थाने में सूचना मिली थी कि एक आरक्षक है अजय करके, उन्होंने सूचना दी थी कि रात में सुबह 4:30 बजे जोगिंदर करके जवान है, उसने बताया कि कमल सिंह नाम का जवान जो है CISF का, वो बिस्तर पे नहीं है। फिर ये लोग वहाँ गए, इन्होंने जाके देखा, चेक किया तो वो बेरेट में नहीं था, पीछे जाके देखा तो नाली में गिरा हुआ था। इन लोगों ने जाके उसको उठाया, सिर में से थोड़ा ब्लड निकल रहा था, उठा के फिर अस्पताल ले गए CISF के, जहाँ डेथ हो गई। तो PM हो गए? हाँ। क्या अभी PM की जांच बाकी? शॉर्ट PM रिपोर्ट लेंगे। इसमें सर कोई आशंका हत्या वगैरह? देखते हैं, जांच में पता चलेगा और चीजें सामने आएगी, PM रिपोर्ट से क्लियर होगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।